हेलो दोस्तों, द लर्निंग पॉइंट तक्षशिला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम का समय है और बहुत ही अच्छा समय है आप सभी के लिए, जिसमें आप बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि बस आपके अंदर एक दिल में क्या होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती है राही को, क्योंकि यूं ही नहीं मंजिल मिल जाती है राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और कभी पूछा है चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कभी पूछा है चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? मैंने पूछा तो चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको भी तिनका तिनका उठाना पड़ेगा इस समय, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है? तभी आप अपने टारगेट पे सफल होंगे। तो चलिए, तो आज क्लास 10th की एक सीरीज चल रही है, तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो डाल दिया है, ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो आप इसमें क्या कीजिए, आप जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप एक एक क्वेश्चन को आप भी तैयार करिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इसमें हम चौथा क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। तो ये साइंस का है पूरा, तो आप लोग साइंस अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भाई लोग, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है उसे ही नए पदार्थों का निर्माण करती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आप एक उदाहरण लिख दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया का, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? फिर कह रहा है कि यह कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई लोग, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो आप यहां लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की होती है, होती है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो चलिए आगे चलते हैं, और चारों प्रकार को हमने देख लिया, अब चारों प्रकार का एक एक करके हम लिख लेंगे, क्योंकि लॉन्ग में है तो हमें सबकी डिफिनेशन लिखनी है और सबका उदाहरण भी लिखना है, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन को योगात्मक भी कहते हैं। संयोजन का मतलब ही होता है संयोग करना। तो देखिए उदाहरण में रिएक्शन इसका एक लिख दीजिएगा, मैंने यस लिया, सल्फर लिया और प्लस ऑक्सीजन, सल्फर यस प्लस O2 लिया, बन गया SO2। तो यहां पे दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। चलिए दूसरा अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब, वियोजन का मतलब टूटना, ठीक है? तो ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। देखिए कैसे, इसमें एक पदार्थ अपने ही सरल योगकों में टूट जाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा, इसमें देखिए उदाहरण आप समझ जाएंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें देखिए वियोजन अभिक्रिया, मैंने ले लिया जैसे यही कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, अगर ये अपघटित होगा मतलब वियोजित होगा तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब एक पदार्थ में कई सरल योगकों में क्या हो जा रहे हैं? टूट जा रहे हैं, ठीक है? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन। चलिए आगे देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बचा हुआ है, द्विविस्थापन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु यौगिक के परमाणु तथा परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ जुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखिए Fe प्लस CuSO4, तो ये जो लोहा है ये कॉपर से क्या है? अधिक्रियाशील है, तो ये क्या कर लेगा? इससे SO4 से रिएक्शन कर लेगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, ठीक है? ऐसे दो विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का स्थानांतरण होता है उसे विस्थापन, दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, यहां पे देखिए Ba ये प्लस में था, ये वाला माइनस में, मतलब ये जो है आयनों का स्थानांतरण हो गया, Ba जाके SO4 से जुड़ गया, BaSO4 बन गया, और यहाँ पे Na2, यहाँ पे दो सोडियम दो क्लोराइड 2NaCl हो गया ये, ठीक है? तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।